मॉर्निंग स्टूडेंट सुहानी हिंदी पाठ्य पुस्तक आज हम पढ़ेंगे। इसमें हम पाठ 8 पढ़ेंगे, क्रांतिकारी बिस्मिल। क्रांतिकारी मतलब जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना भाग लिया था, अपना योगदान दिया था, क्रांति की थी, मतलब अंग्रेजों का विरोध किया था। 19 दिसंबर 1927 प्रातः 6:30 बजे का समय, गोरखपुर जेल में फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए क्रांतिकारी ने अपनी इच्छा प्रकट की। क्रांतिकारी मतलब जो देश के लिए अपने लड़ाई लड़ते हैं। मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। ब्रिटिश साम्राज्य मतलब उस टाइम हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था। तो उस क्रांतिकारी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं अंग्रेजों का विनाश चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी इच्छा है। बच्चों आप जानते हो कि यह शहीद होने वाला व्यक्ति कौन था? शहीद होना मतलब देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना। इनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो फोटो दिखाई दे रही है, बिस्मिल का जन्म सन 1897 में हुआ। उर्दू में चौथी कक्षा पास करके जब वे पांचवी कक्षा में आए तब उनकी आयु 14 वर्ष की थी। पहले के बच्चे उर्दू में पढ़ते थे ज़्यादातर। बचपन में ही अनेक बुरी आदतों ने उन्हें घेर लिया था। उसी समय मुंशी इंद्रजीत से उनका मेलजोल हुआ, मेलजोल मतलब परिचय हुआ, और उनसे उन्होंने संध्या सीखी। संध्या सीखी मतलब शाम के समय जो आरती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, संध्या। बिस्मिल लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से मेरी कायापलट ही हो गई। कायापलट मतलब बिल्कुल ही बदल गया मैं। उन्हीं दिनों शाहजहाँपुर में स्वामी सोमदेव जी का आगमन हुआ। उनके भाषणों का मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मैं अपने कर्म में दृढ़ हो गया मतलब मजबूत हो गया अपने काम में, और इतना सत्यवक्ता मतलब सच बोलने वाला बन गया कि एक बार पिताजी किसी पर दावा करके वकील से कह गए जो काम हो बिस्मिल से करा लेना। वकील ने मुझसे पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा, मतलब साइन करने को कहा। उस समय घर की स्थिति सही नहीं थी, हस्ताक्षर न करने से 100 रुपये से अधिक की हानि हो रही थी। फिर भी मैंने स्पष्ट कह दिया, यह धर्म विरुद्ध है, मतलब गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अर्थात वो बहुत सत्यवादी थे। उसी समय समाचार पत्रों में लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में निर्णय प्रकाशित हुआ। मतलब गवर्नमेंट ने उन सबको फांसी की सजा सुनाई जो लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। इस निर्णय के अनुसार भाई परमानंद जैसे महान पुरुष को फांसी दी जानी थी। भाई परमानंद कौन थे? उन्होंने लाहौर षड्यंत्र किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें शामिल थे वो। यह पढ़कर बिस्मिल के हृदय में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का मन पक्का कर लिया। यहीं से उनके हृदय में क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात हुआ, मतलब यहीं से वो क्रांतिकारी बन गए। बिस्मिल अभी नवी कक्षा में थे, नवी मतलब 9th क्लास में ही थे कि लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मतलब बैठक हुई कांग्रेस की। इसमें सबने बड़ी प्रसन्नता एवं उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। वहीं उन्हें पता चला कि एक ऐसी गुप्त समिति भी है, गुप्त मतलब जिसके बारे में पता ना हो किसी को, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना है। वे भी उस समिति के सदस्य बन गए, मतलब उस समिति में सारे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। इस समिति के सदस्य के रूप के प्रकार के कार्य करते थे, एक तो धन एकत्रित कर हथियार जुटाने में और दूसरा विभिन्न राज्यों में सदस्य बनाने में कार्य करता था। मतलब इन लोगों को अपने लिए हथियार भी जुटाने पड़ते थे, इसलिए वो धन भी इकट्ठा करते थे। समिति के लिए धन एकत्रित करने के लिए बिस्मिल ने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली ये लिखी। उन्होंने बाद में 3 पुस्तकें कैथेराइन, स्वदेशी रंग तथा क्रांतिकारी जीवन लिखी। इनमें से पहले 2 पुस्तकें तो प्रकाशित हो गई, लेकिन 3री पुस्तक को प्रकाशित करने का साहस कोई प्रकाशक नहीं कर सका। प्रकाशित करना मतलब पुस्तक को छापना। अब उन्होंने स्वतंत्र व्यवसाय करना आरंभ कर दिया, मतलब ना बिजनेस कर लिया, जिससे उनके घर की स्थिति सुधर गई। बिस्मिल की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ कर दिखाने की इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, अतः वे अपना व्यवसाय छोड़कर पुनः समिति के कार्यों में लग गए। उन दिनों असहयोग आंदोलन के शिथिल होने के कारण अनेक युवक क्रांतिकारी समिति के सदस्य बन गए। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, वो थोड़ा कम हो गया था, और उसके जो सदस्य थे वो क्रांतिकारी समिति के सदस्य बन गए। पुलिस के भय से उन्हें कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए निश्चय किया गया कि सरकारी खजाना लूटा जाए।
योजना के अनुसार किसी छोटे स्टेशन पर रेलगाड़ी रोककर धन लूटने का निर्णय किया गया। पहले जो अंग्रेजों का खजाना था वो रेलगाड़ी में आता था, तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बनाई। काकोरी स्टेशन, एक जगह है काकोरी, काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया, उसको काकोरी कांड बोलते हैं। सदस्यों में बांटने के पश्चात कुछ धन हथियार खरीदने के लिए रख लिया गया। काकोरी कांड के पश्चात पुलिस सचेत हो गई, मतलब पुलिस अलर्ट हो गई। लूटे गए धन में से 3 नोट शहर में मिल गए और उनके नंबरों को देखकर पुलिस खोज करने लगी। बिस्मिल को सचेत किया गया कि वे पकड़ लिए जाएंगे, पर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने स्वयं लिखा है, मुझे अपने प्रति कुछ अधिक विश्वास था। मैं समझता था कि जेल जाने की बारी नहीं आएगी। एक रात में घर आकर सोया और प्रातःकाल ही पकड़ लिया गया। उनका मुकदमा मजिस्ट्रेट आइनुद्दीन की कचहरी में था, कचहरी मतलब कोर्ट, और मजिस्ट्रेट थे आइनुद्दीन। मजिस्ट्रेट आइनुद्दीन बोली से मीठे पर लेखनी के उतने ही सख्त थे। लेखनी मतलब वो जो ऑर्डर देते थे, बहुत सख्त ऑर्डर देते थे, फैसला सुनाते थे जो। इस मुकदमे में बिस्मिल ने अपनी पैरवी स्वयं की थी, पैरवी मतलब वकालत अपनी। उन्होंने भरी कचहरी में जी भरकर अपशब्द कहे थे, मतलब बुरे शब्द अंग्रेजों के खिलाफ। खुफिया विभाग के अन्याय के विरोध में भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, अतः उनको मृत्युदंड दिया गया, मतलब फांसी की सजा। 3.5 माह तक काल कोठरी में वे एक योगी की भांति रहे। फांसी से एक दिन पूर्व अंतिम मिलन के समय वे अपनी माँ को देखकर रो उठे। माता ने कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, यदि मरने से डरते थे तो इस मार्ग पर क्यों आए, मतलब क्रांतिकारी क्यों बने। पुत्र ने माँ को आश्वासन दिया, धैर्य रखो माँ, मैं मौत से नहीं डरता, विश्वास करो माँ, ये आंसू तुम्हारे प्रति मोह के हैं, तुम्हारे प्यार के हैं। माँ के इस रूप को देखकर जेल के अधिकारी ने भी कहा था, बहादुर माँ का पुत्र ही बहादुर होता है। 19 दिसंबर 1927 को प्रातः मस्ती में झूमते गाते बिस्मिल ने फांसी के फंदे को चूमकर भारत माता के चरणों में अपना शीश भेंट कर दिया। मतलब 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल शहीद हो गए। तो इस कहानी से हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं हम, और बच्चों को भी हम ये समझाते हैं कि अपने देश के लिए वो अच्छे विचार रखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी वर्कशीट करेंगे। हिंदी वर्कशीट में पाठ 8, क्रांतिकारी बिस्मिल। शब्द अर्थ, संध्या, पूजा या शाम, कायापलट होना, बिल्कुल बदल जाना, सत्यवक्ता, सच बोलने वाला, सूत्रपात, शुरुआत, अधिवेशन, बैठक या सम्मेलन, प्रकाशक, समाचार पत्र या पुस्तकों को प्रकाशित करने वाला, शिथिल, कमजोर, सचेत, सावधान, आश्वासन, विश्वास दिलाना, व्यवसाय, काम धंधा। प्रश्न उत्तर, बिस्मिल ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले क्या इच्छा प्रकट की? बिस्मिल ने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले अपनी इच्छा प्रकट की कि वे ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहते हैं। बिस्मिल के सत्यवक्ता होने का एक उदाहरण दीजिए। एक बार पिताजी के कहने पर बिस्मिल ने उनके हस्ताक्षर नहीं किया, हालांकि इस समय हस्ताक्षर न करने से 100 रुपये की हानि हो रही थी और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इससे उनके सत्यवक्ता होने का प्रमाण मिलता है। बिस्मिल के मन में क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात कैसे हुआ? समाचार पत्रों में लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में निर्णय प्रकाशित हुआ था। इस निर्णय के अनुसार भाई परमानंद जैसे महान पुरुष को फांसी दी जानी थी। यह पढ़कर बिस्मिल के हृदय में क्रांतिकारी विचारों का सूत्रपात हुआ। बिस्मिल ने किन किन पुस्तकों की रचना की? बिस्मिल ने 4 पुस्तकों की रचना की। अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, कैथेराइन, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन। क्रांतिकारियों द्वारा लूटे गए सरकारी खजाने का क्या किया गया? लूटे गए सरकारी खजाने का कुछ हिस्सा समिति के सदस्यों में बांट दिया गया, वह कुछ धन हथियार खरीदने के लिए रख लिया गया। बिस्मिल ने अपने अंतिम क्षणों में अपनी माँ को क्या आश्वासन दिया? बिस्मिल ने अपने माँ को आश्वासन दिया कि वे मौत से नहीं डरते, इसलिए चिंता मत करो। वाक्य बनाओ, शहीद, भारत को आज़ाद कराने के लिए अनेक भारतीय शहीद हो गए। सत्यवक्ता, सत्यवक्ता इंसान की हमेशा जीत होती है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बिस्मिल का जन्म कब हुआ था? 1857 में, 1987 में या 1897 में? 1897 में। बिस्मिल ने संध्या किससे सीखी थी? मुंशी इंद्रजीत से, मुंशी प्रेमचंद से या स्वामी सोमदेव से? मुंशी इंद्रजीत से। क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर सरकारी खजाना लूटा था? काकोरी स्टेशन पर, खड़गपुर स्टेशन पर या शाहजहाँपुर स्टेशन पर? काकोरी स्टेशन पर।
बिस्मिल को फांसी कब दी गई? 18 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1927 या 21 जून 1937? सही ऑप्शन है 19 दिसंबर 1927 को। थैंक यू।